सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमास्तुते। माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है डॉक्टर साहब। इसे यहाँ ले आओ, मैं देख लूँगा। नहीं डॉक्टर साहब, वो यहाँ नहीं आ सकती। वो बेहोश है, वो कुछ नहीं बोलती। चलिए ना डॉक्टर साहब, प्लीज। अच्छा बेटे, मैं भी चलता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी माँ को? कुछ नहीं बेटे, परेशान होने की कोई बात नहीं। सुबह दवा खाने आ जाना, मुझसे दवा ले जाना। जी। डॉक्टर साहब, बेचारी ठीक तो हो जाएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोई बड़ा सदमा पहुंचा है। हाँ डॉक्टर साहब, भगवान ऐसा हादसा जिंदगी में किसी को ना दे। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखना, इस वक्त उनके खाने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वो खाएंगे नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। पिलो। खा लो माँ। मैं जानता हूँ माँ, तू हमेशा मुझे खिला कर ही खाती थी, लेकिन मैं खा चुका हूं। सच कह रहा हूं मां, मैंने खाना खा लिया है। खा लो। मत रो मां, तू क्यों रोती है? तो उसको है जिसने हमें रुलाया है। Thank you.
अजय अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, चल जल्दी तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। देख जब तक तू नहीं खाएगा तेरी माँ भी नहीं खाएगी। मैं भी आता हूँ मासी। अजय कहाँ है? गुड मॉर्निंग माँ। भाई वाह, आज तो हमारी माँ बहुत खूबसूरत लग रही है, जरा गौर से देखें। चलो माँ नाश्ता कर लें। देखें भाई मासी ने क्या हलवा। देखो माँ, चलो मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो उखलो। चलो माँ अब अपने हाथों से मुझे खिलाओ ये। मुन्नी को दूध पिला दिया? हाँ माँ, मुन्नी ने दूध भी पी लिया है और पापा दवाई लेने के लिए बाहर गए, और जैसे वो दवाई लेकर आएंगे हम मुन्नी को दवाई भी दे दें। जानती हो माँ, मुन्नी ना बहुत शरारती हो गई है, किसी की बात ही नहीं सुन। चलो बेटा। अच्छा माँ मैं चलूं? बाय माँ। नहीं अजय, तू तो वो बेटा है जिस पर हर माँ को गर्व होगा। क्या नहीं किया तूने अपनी माँ के लिए, तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरी माँ बोलने लगी, तेरी सेवा सफल हो गई। आप भी तो माँ का बहुत ख्याल रखती हैं। एक पड़ोसी होकर जो कुछ आपने हमारे लिए किया है इतना तो कोई अपने भी नहीं करते। बस बस बहुत बोलने लगा है। अच्छा मासी चलता हूँ। तू? हाँ कहाँ जा रहा है? मैं तो बंबई जा रहा था, बस मिस हो गई। अच्छा मैं भी बंबई जा रहा हूँ, बैठ। थैंक यू। बहुत सालों बाद मिला, कैसा है? ठीक हूँ। माँ कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है। तू सुना तेरा क्या हाल है? बहुत बार पूना गया लेकिन तुझसे कोई मुलाकात ही नहीं हो सकी। अब बंबई में ही रह रहा हूँ, यूं समझ के जिंदगी बंबई और पूना के बीच ही गुजर रही है। जब से मम्मी डैडी की मौत हुई है तब से बिजनेस का सारा बोझ मुझ पर ही आ पड़ा है। मम्मी डैडी गुजर गए? 2 साल पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पे जो प्लेन की दुर्घटना हुई थी जिसमें सारे लोग मारे गए थे उसमें मेरे मम्मी डैडी भी थे। आई एम सॉरी यार। ये बता तू बंबई क्यों जा रहा है? किसी की तलाश में। किसकी? कामयाबी की।
कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। ए! रुक जा मोटो। फोन मैं उठाऊंगा, इस घर का हेड सर्वेंट मैं हूँ, समझे? बाबूलाल तू फोन क्यों उठाता है? तुझे याद तो कुछ रहता नहीं, हाँ कुछ भी जवाब देता है, और चोपड़ा साहब की गाली हमको सुननी पड़ती है। शट अप, चल यहाँ से, जाके किचन में बर्तन धो, ले लो। याद नहीं रहता मुझे। मैं अहमदाबाद से बजोड़िया सेठ बोल रहा हूँ, डब्बा बाल्टी टम्बलर वाला। आप कौन बोल रहे हैं? मैं घर का हेड सर्वेंट बाबूलाल बोल रहा हूँ। हेड भी है और सर्वेंट भी है। देखो बाबूलाल, मुझे अपने बेटे की रिश्ते की बात करने के लिए बंबई आना है, तुम चोपड़ा साहब को फोन दो। एक मिनट, हाँ मोटो, क्या चोपड़ा कौन है अपने यहाँ? बाबूलाल चोपड़ा साहब हमारे मालिक हैं। हेलो चोपड़ा साहब, एक मिनट ठहरिए, मैं भी ढूंढ के लाता हूँ। बाबूलाल, अगर डैडी का फोन आए तो उनसे कह देना कि मैं कॉलेज से सीधे हेल्थ क्लब जाऊंगी, ठीक है? ओ जी बेबी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मार्को। अब देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, फोन ऐसे रखा हुआ है, एक दिन मैंने रहूं तो पता नहीं चोपड़ा पहले से क्या होगा। हेलो सेठ जी, आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ। मैंने ये जानने के लिए फोन किया था, आके लड़की देखने कब आऊं? अरे भाई कभी भी आइए, आप ही का घर है। ठीक है ठीक है, और बताइए धंधा पानी कैसे चल रहा है? अरे क्या बताएं, आलू प्याज तो इतने महंगे हो गए हैं कि पूछो मत। अब टमाटर देखो, मिर्च अदरक, हट। अरे आप कौन बोल रहा है? मैं यहाँ का हेड सर्वेंट बाबूलाल बोल रहा हूँ। रामचंद्र तुझे क्या हुआ है? अरे पहले से बोलना चाहिए ना, कब से हंस हंस के गला फाड़ दिया। मैंने चोपड़ा साहब से बात करनी है, फोन दियो उनको। हेलो चोपड़ा साहब तो कॉलेज चले गए। चोपड़ा साहब अभी तक कॉलेज में पढ़ते हैं? आ गई और दिल की तरफ आ गई, हम जा रहे हैं। अरे बजरंग बली, आज अगर हमारी तरफ दिल से देख ले तो आधा नारियल तोरे मंदिर में पक्का है। अटबे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय अंजलि। हाय सीमा। मेरी हिस्ट्री की नोट लाई? हाँ ले आई, और उसमें रखी तेरी प्रेम कहानी भी। प्रेम कहानी इधरा। क्यों चक्कर क्या है? कौन सा चक्कर? अभी बताती हूँ, ये देख। सीमा मैं ये तो समझ गई कि इस प्रेम कहानी में दिल तो तेरा है, लेकिन वो तीर किसका है जिसने तेरे दिल को घायल कर दिया? अंजलि अभी नहीं, वक्त आएगा तब बता दूंगी। ठीक है। अब कैंटीन चल। अरे साइको का लेक्चर मिस करेगी? आज मैं कोई क्लास अटेंड नहीं करूंगी, रवि आएगा तब बता दूंगी, वो नोट ले लेगा। हाय सीमा। हाय। देखा तूने उसे याद किया, वो खींचा चलाया। अरे बस इतनी सी बात है, साइको के सारे नोट्स मैं कॉपी करके तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें लेक्चर अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मालूम था कि सारे कॉलेज में एक तुम ही हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। थैंक यू। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ओके बाय। अरे कहाँ गई? अरे कैसे जाने वाले हो, इतने दिनों बाद आए हो। आज तो महबूबा के राह में तुम्हें आंखें बिछा कर बैठना चाहिए था, और तुम अपनी आंखें इस किताब पर जमाए बैठे हो। इसलिए कि किताबें महबूबा से बेहतर होती हैं। लाओ एटलीस्ट इंतजार तो नहीं करवाती। नाराज हो? मैं बहुत नाराज हूँ। जानती हो तुम पूरे 6 मिनट लेट आई हो। सॉरी पापा, माफ कर दो। नो 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 नो, माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। नो no. अच्छा तो सजा ही दे दो।
शट अप, तुम्हारी सजा ये है कि जब तक मैं किताब पढ़ता रहो तुम मुझे चुपचाप से किस करती रहो, आई मीन चुपचाप से बैठी रहो। Oh,
इस तरह छुप छुप के मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता सीमा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। देखो अभी किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या है, क्योंकि अगर तुम्हारे डैडी को थोड़ा सा भी शक हो गया ना कि तुम मुझ जैसे मामूली बेरोजगार से प्यार करती हो, तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। ए सीमा दुखी मत, मुझ पर भरोसा रखो, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। और फिर उसके बाद टिंग 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 टिंग। लेकिन एक बात है, तुम्हारी ये रोज रोज लेट आने की हैबिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम अपनी घड़ी दिखाओ। अब मैं इस घड़ी का टाइम चांदनी चौक के घर। ओह माय गॉड, क्या हुआ? आज तो मेरी बहन प्रिया आने वाली थी शिमला से। अच्छा, मुझे एयरपोर्ट भी जाना था। बहुत देर हो गई, अब तो वो घर भी पहुंच गई होगी। तुम कितने आदमी हो बाबूलाल? मैं तो एक ही आदमी हूँ गब्बर बहन। मेरा मतलब है इस घर में नौकर कितने हैं? अभी बताता हूँ बेबी। तीन। और तुम? मैं तो आदमी हूँ बेबी। तो तुम नौकर नहीं हो? वो क्या है कि साहब मेरे इतना ख्याल रखते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि मैं नौकर हूँ। ये भी भूल गया कि एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजनी थी। एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी, वहाँ तो आवाजा देते है ना। सुना डैडी कहाँ है? उनका तो स्वर्गवास हो गया। क्या? हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, उनको ठंड बहुत लग रही थी, हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया तो दुनिया से लथपथ हो गए। तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे बाप की। प्रिया, हाय सीमा। कैसी है तू? तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? ठीक हूँ, लेकिन तुझसे बहुत नाराज हूँ। तू मुझे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आई? सॉरी 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 प्रिया, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी। ठीक है, तू नहीं आ सकती थी, लेकिन डैडी तो आ सकते थे। डैडी को तो तू जानती ही है, उनके जैसे दो ही शौक है, एक है बिजनेस बढ़ाना और दूसरा है गाड़ी दौड़ाना। इन दोनों में से एक में बिजी होंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हमारे कंपनी का प्रोडक्शन हर हाल में बढ़ना चाहिए। जी सर। सर बोलो मेहता। वर्करों ने मैनेजमेंट से अपील की है कि उनको रहने के लिए मकान दिए जाएं। कंपनी उन्हें नौकरी देती है जिसकी वो तनख्वाह पाते हैं, इसके अलावा उनको और कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जा सकते हैं। राइट। देसाई। यस सर। गिरधारी लाल की फैक्ट्री अब हमारे कब्जे में है। जी सर। जाकर उसका चार्ज लो। जी। और हाँ, आज के बाद इस फैक्ट्री का नाम होगा सीमा गार्मेंट्स। सर, सीमा मैम साहब के नाम से याद आया कि घर से कई बार टेलीफोन आ चुके हैं, प्रिया मैम साहब शिमला से आ गई। कैसी है मेरी बेटी? कैसी हो? ठीक है, लेकिन बेटी का मूड बहुत खराब है। मूड क्यों खराब हो गया तेरा? इतनी देर क्यों लगा दी? अरे ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया था। सीमा के लिए एक नई गारमेंट फैक्ट्री खरीदी है। वाओ! अब सारे यूरोप में सीमा गारमेंट्स की धूम मच जाएगी। हाँ, और मेरे लिए? तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? स्पोर्ट्स का। बस एक स्पोर्ट्स का मिल जाएगी। बाबूलाल। हाँ जी। ये क्या है? सूप है। ये सूप है? हाँ। ये फिंगर बोल है, इसमें खाने के बाद हाथ धोते हैं। तालिया, ये तूने क्या किया? जो चीज खाना खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं उसको खाने से पहले लाके रख दिया। अभी साहब इसको नींबू निचोड़ के सूप समझ के पी जाते तो। चुप, जाकर सूप ला और तू भी जा। अबे टकलू तेरी तो। हेलो बेटा। हेलो। कल आप कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारे साथ रहेंगे। नहीं, बल्कि कल तुम दोनों मेरे साथ मद्रास चलोगी। वहाँ कार रेस में मैं आखिरी बार हिस्सा लेने वाला हूँ। वाओ, कार रेस! लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ? क्यों,
कल तो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम है। ओह हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन अगर कम ऑन सीमा, अगर तू आती तो कितना मजा आता। तू ऐसा क्यों सोचती है, समझ ले जहाँ तू है वहाँ तेरी बहन सीमा भी है। और देखना डैडी, हमेशा की तरह इस बार भी रेस आप ही जीतेंगे। Yes, thank you. Ladies and gentlemen. Hello, चोपड़ा साहब। Hello, कुलकर्णी। Hello, how are you? Fine. सुना है इस रेस में आप आखिरी बार हिस्सा ले रहे हैं? हाँ कुलकर्णी, जब तक मैं हिस्सा लेता रहूंगा दूसरा तो कोई जीत ही नहीं सकता। जब तक नंबर वन नहीं हटेगा तो नंबर टू को चांस कहाँ से मिलेगा? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो नंबर दो को इसी बार मौका मिल जाए। एक नया लड़का आया है, विक्की मल्होत्रा। मैंने उसकी प्रैक्टिस देखी है, क्या टाइमिंग है। वही एक है जिससे आपका सख्त मुकाबला होगा। कहाँ है वो? वो खड़ा है कार नंबर 32 के पास। दौर जिंदगी का हो या मोटर कार का, मैंने कभी हारना नहीं सीखा। हाँ। ये रिकी पिकी निकी सिकी कोई भी हो ना, सब मेरे डैडी के सामने फीके हैं। योर राइट डार्लिंग। ओके चोपड़ा साहब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू कुलकर्णी। आज आखिरी बार इस कार रेस में हिस्सा ले रहे हैं और मिस्टर मदन चोपड़ा का दावा है कि होगी। दोस्तों देखना ये है कि मिस्टर मदन चोपड़ा को किससे चुनौती मिलेगी, किसी विदेशी मेहमान से या कहीं नौजवान। एक तरफ है मदन चोपड़ा का तजुर्बा तो दूसरी तरफ है विकी मल्होत्रा का आशीर्वाद। गाड़ी नंबर 32 के ड्राइवर से मिलना चाहता हूँ। okay? हाँ, क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी गाड़ी कुछ खराब हो गई थी क्या? जी नहीं। तुम तो जीत रहे थे, हार कैसे गए? मैं बरसों से आपका फैन रहा, आपको अपना गुरु मानता, और मैं नहीं चाहता था कि आप अपनी आखिरी रेस हार जाएं।
इसका मतलब तुम जानबूझकर हार गए? कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। क्या जीतना चाहते हो तुम? आपका आशीर्वाद। मुझे तुम्हारा यह अंदाज पसंद आया। वैसे कहां के रहने वाले? बॉम्बे का सर। कार रेसिंग मेरी हॉबी है और स्पोर्ट्स कार्स में डील करना मेरा पेशा। ओ, मैं अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स कार ही ढूंढ रहा था। अगर कोई अच्छी गाड़ी हो तो दिखा देना। मैं परसों बॉम्बे पहुंच रहा हूं। पहुंचते ही इनको गाड़ी दिखा दूंगा। सर, कार के साथ आपकी एक फोटो चाहिए। एक मिनट, अभी आता हूं। ओके विकी, बाय बाय, सी यू इन बॉम्बे। हैव अ गुड डे सर। बेटी, मैं क्लब हाउस में हूं। सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया। तुम्हारे लिए, तुम्हें तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की सब फीके पड़ जाएंगे, और अगर ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाए, और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूं। तभी तो मैंने कहा था कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। Thank you.
धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है, पास आओ बता दूं, ना बाबा डर लग रहा है, मुझको गलत ना समझना, जीतते जीतते हार गया। ओफो, डैडी रेस जीते के हारे? डैडी तो रेस हारते हारते जीत गए, मगर मैं हार गई। क्या पागलों जैसे बातें कर रही है, कब से हार जीत किए जा रही है?
ठीक तरह से बताते क्यों नहीं? हुआ क्या? दासु मुकाबला हुआ सीमा, दासु मुकाबला। उसने पहली नजर का ऐसा तीर चलाया कि वो सीधा मेरे दिल में उतरा और मैं घायल हो गई। तू किसकी बात कर रही है? क्या हो गया है तुझे? मुझे प्यार हो गया है सीमा, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव। अरे बाप रे, तुझे प्यार हो गया है? हाँ, और तू उसे देखेगी ना तो 20 माले से छलांग मार देगी। मैं तो छलांग मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी एक झलक तो दिखा दे। झलक नहीं दिखाऊंगी, मिलाऊंगी। कल वो मुझे स्पोर्ट्स कार दिखाने आ रहा है, मैं उसे तेरे कॉलेज में लाती हूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी ले आना, कल मुझे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भी जाना है। ओके। गाड़ी, गाड़ी देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। मैं भी तो पागल हूँ। अगर तुम्हें ये गाड़ी इतनी पसंद है तो फिर डैडी को क्यों दे रहे हो? अरे कौन कमबख्त गाड़ी की बात कर रहा है? ये उम्र गाड़ियों से प्यार करने की होती है क्या? ये उम्र तो हसीनाओं पर मर मिटने की होती है। आज सीमा तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। 1 बजे उसे कॉलेज में मिलना है। मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है कि वो तो बिल्कुल पागल हो गई। मैंने कहा है कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे प्यार करने का अंदाज ही कुछ और है। ये गाड़ी कितने सिलेंडर की है? 8। इसे चलाने में बहुत मजा आता होगा ना? हाँ बहुत। मैं चलाऊं? नहीं, तुम इसे बिल्कुल नहीं चलाओगी। अरे क्या 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 हुआ? आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम। आइसक्रीम? एक आइसक्रीम करे इतना शोर? ला दो ना प्लीज। अरे यहाँ आइसक्रीम बस में कुछ नहीं मिलती भाई। तो फिर नारियल पानी। नारियल पानी प्लीज। ठीक है, मैं अभी नारियल पानी लेके। इडियट। अरे भाई एक आइसक्रीम देना, नारियल पानी देना, जल्दी करो। मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। हाँ ला रहा हूँ। लॉन्ग ड्राइव। ए फ्री अप, फ्री अप। गाड़ी चला रही थी क्यों? रोड तुम्हारी बाप का है क्या? वाह, बातें तो बहुत तीखी करती है, अब देखे खाने में कैसी लगती है। अरे कैसे? क्या हुआ? लड़की ने मारा? लड़की ने नहीं, जैकेट वाले ने मारा। चलो देखते हैं। चलो ये पानी तो खत्म हो गया। खत्म हो गया, अब क्या चाहिए? मलाई। एक नारियल मलाई मार गए। मलाई मलाई। अरे अरे वो रे, ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने? कुछ लेते क्यों नहीं? कभी आप यहाँ से गिरते हैं, कभी यहाँ से गिरते हैं, कभी ऊपर से आते हैं, कभी ये लगता है सर्कस से छुटकर आए हैं। देखो भाइयों, ये प्यार करने की जगह। तू यहाँ प्यार करने आया है और हम तेरी बारात निकालने आए हैं। ओह तो आप बैंड बाजे वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? डार्लिंग, इन लोगों को गाने बजाने में बहुत मजा आता है, तो तुम ऐसा करो, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठो, मैं इनका बचा कर आता हूँ। क्या बैंड तिनक दिन? अरे
समस्या क्या है? ओ तुसी भी आजा बच्चा है ओ जयतर मिंदर तुहाडा तां मैं लेके तुम कोर्ट चले जाना। मैं कमिश्नर अंकल को फोन कर सकती हूँ? तुम कमिश्नर साहब की भतीजी हो या भांजी? मुझे फोन तो करने दो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कमिश्नर अंकल की क्या लगती हूँ। हवलदार पर रोप डालने के लिए कमिश्नर को अंकल बना दिया? प्रिया? अरे करण तुम? हेलो प्रिया। व्हाट अ सरप्राइज, बहुत स्मार्ट लग रही हो यूनिफॉर्म में। ओह रियली, थैंक्स। विकी, ये करण है, हम शिमला में साथ पढ़ते थे। करण, दिस माय फ्रेंड विकी। हाय करण, हाउ आर यू? हाय करण, देखो ना, मैं जा रही थी और इन गुंडों ने पीछा करके, इन्होंने तुम्हें जरूर छेड़ा होगा। डोंट वरी, मैंने बाद में देख लूंगा। आप लोग आइए ना, बैठिए। फिर कभी करण, आज वैसे भी यहाँ पर बहुत देर हो गई है। ओके। और प्रिया तुम जल्दी करो, सीमा कॉलेज में हमारा इंतजार कर रही होगी। तीन बज गए, वो तो अपने फ्रेंड की पार्टी में जाने वाली थी, अब तक तो चली भी गई होगी। It's my life, see the limits, set me free. What's that crap about who it's all? I've got my own life, you got your own life, live your own life, set me free. Mind your business and demand business, you know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me, it's my life. It's my life. मैंने छोड़कर नहीं आ सकती। अरे उसे अंदर क्यों नहीं बुला लेती? किसको अंदर बुला लूं? जिसे इशारा कर रही है वो तो मैं चाली को बुला रही थी डांस करने के लिए। ए, अरे अरे बहुत मुश्किल से लाइन मिला है। आई एम सो सॉरी। ए जय सर, हम आ रहा हूँ। मैं डांस सीखती हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ, आज तुम पार्टी में अंदर क्यों नहीं आए? सीमा, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे ये बड़े बड़े दोस्तों के बीच में आने में मुझे शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है मुझे। वो मैं दरवाजे तक भी इसलिए आ गया ताकि तुम्हें बता दूं कि मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। क्या? इतने दिनों तक मैं क्या करूँगी? अरे हाँ,
तुम वो चार्ली चैप्लिन के साथ काम चला लेना। गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। चलो कहीं चल के रगड़ा पैटिस खाते। मैं तुम्हें कड़क वार्निंग दे रहा हूँ। सीमा बेटी को जो लड़का देखने आने वाला था वो आ चुका है, लेकिन तुम छोटे छोटे लोग उनके सामने नहीं आना। चोपड़ा पैलेस के साथ साथ मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, समझे? और आज एक खास चाय बनेगी, खास मौकों पर खास चाय, जिसे पीकर लड़का शादी के लिए फौरन हाँ कर देगा। और वो चाय मैं बनाऊंगा। बाबूलाल, कभी तुम्हारे बाप ने भी चाय बनाई? बाप का नाम मत ले, वो तो कॉफी बनाते थे। तो पिलाओ। हाँ, आज मैं केसर वाली चाय बनाऊंगा। ये केसर नहीं, हल्दी है। तुझे बड़ी जल्दी है चुब्बे मोटे। तो इसमें अरे यहाँ गड़बड़ सड़बड़ कही रहा है, वहाँ मेहमान चाय की खातिर बैठे हैं। देखो मदन जी, मारो एक को एक छोरो है, मारो जो कुछ भी है सारो इसको ही है ना। मारी तीन फैक्ट्री है, उसमें सारो प्लास्टिक को सामान बने हैं। कभी डब्बा बाल्टी और टम्बलर की जरूरत हो नहाने के लिए तो मैंने बोल दीजो फटाफट। बाबूला रुक जाओ। ए चुप, और खबरदार तुम लोग बाहर आना नहीं, समझे? तालिया। हाँ। ये उबला हुआ पानी लेके गया, चाय पत्ती तो डाली नहीं, ऊपर से पानी में नमक डाल दिया। मारो छोरो है। एक को एक है। सिंगानिया साहब का फोन है। एक्सक्यूज मी, आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी आता हूँ। जाओ भाया, धंधो पहले। अरे सिंगानिया साहब को बाल्टी और टम्बलर की जरूरत हुए तो मारो नाम सजेस्ट कर दीजो, चाय बना फटाफट, सब कुछ अपना ही है। अरे मारो छोरो, अमेरिका से पढ़ के आयो है, मर्जी हो गए तो अंग्रेजी में बात करके खातरी कर लियो फटाफट। मारो छोरा, मारो गलूड़ियो, मारो कुरकुरियो। क्या है? इसमें तो चाय की पत्ती नहीं है। अरे बड़े लोगों की चाय ऐसी ही होती है, पीजा फटाफट। चाय की पत्ती, चाय की पत्ती। आओ भाया आओ। अरे भाई, आप लोगों ने चाय वाय पी कि नहीं? अरे भाया, आपके घर की चाय तो अमृत है, अमृत। क्यों बेटा? सीमा गई। हाय, तुझे एक सरप्राइज देती हूँ। क्या सरप्राइज? चल ना। आओ सीमा बेटी। हेलो, ये मेरी बेटी सीमा है। सीमा, ये बजोड़िया सेठ है और ये उनके बेटे कुंदन। हेलो। हेलो हेलो बेटी। मारी तो बात समझ में आ गई भाया, इन दोनों को देखते ही, ये राम और सीता की जोड़ी है, बस अब शादी के लिए फटाफट हाँ कह दो। ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर अगले हफ्ते मंगनी तय कर लेते हैं। सीमा, सीमा तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। तुम तो जानते हो ना कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है कि मैं तुम्हारे डैडी के सामने आकर उनसे बात कर सकूं। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम डैडी से बात नहीं कर सकते तो मैं कर लेती हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर उन्हें राजी कर लूंगी। लेकिन सीमा, अजय हमारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, अगले हफ्ते तो डैडी ने मेरी मंगनी तय कर दी है। ठीक है सीमा, तुम मुझसे कल मिलो, मैं कोई रास्ता सोचता हूँ। ओके।
सीमा तुम वही शादी कर लो जहां तुम्हारे डैडी चाहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने बहुत सोचा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अच्छा, मुझे रास्ता नहीं मंजिल चाहिए, और मेरी मंजिल तुम हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तो फिर हमारे सामने एक ही सूरत बची जो हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर सकती। क्या? खुदकुशी। खुदकुशी तुम्हें मंजूर है? अगर हमारे प्यार का अंजाम मौत ही है तो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूं। मैं अजय शर्मा अपने होशो हवास में लिख रहा हूं। मैं सीमा चोपड़ा अपने होशो हवास में लिख रही हूं कि मैं किसी दबाव में ना आते हुए और अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं। खुदकुशी कर रही हूं। इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें किसी का दोष नहीं है। लो इस पर साइन करो। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम पास हो गए। 100% मार्क्स। 100% मार्क्स? हाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारे प्यार तुम्हारे विश्वास का इम्तिहान। ये सुसाइड नोट? खुदकुशी तो बुजदिल करते हैं, और अजय इतना कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से जिंदगी की जंग हार जाए। हम कल ही चलकर कोर्ट में शादी करेंगे, तो ठीक 1 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तो तुम खुश हो?
एक से दो बंद। देखा तुम लेट हो गया और यहाँ पे लंच टाइम हो गया। अरे अब मुझे क्या पता था कि इस ऑफिस में हर किसी को एक से दो के बीच में ही भूख लगती है। कमाल। अब आधा घंटा क्या करेंगे, किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया तो अब कर क्या सकते हैं। इन लोगों को खाना खाने देते हैं, हम लोग कहीं चल के हवा खाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ से तो लोग बिल्कुल चीटियों जैसे लग रहे हैं। अजय, कितनी अजीब है हमारी शादी, न बारात न बाराती। सुनो एक बात तो बता, वो कौन सा तोहफा होता है जो शादी के बाद एक पति अपने पत्नी को पहली बार देता है? क्या? मैं जानती थी तुम भूल जाओगे, नो प्रॉब्लम, मैं लाई हूँ। देखो तो इसमें क्या है। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा। जानती हो सीमा, जी में आता है तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर बिठा दो ऐसे। अरे अजय क्या कर रहे हो, मुझे वर्टिगो है, ऊंचाई से देखते हुए मुझे चक्कर आते हैं। अजय प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो डर किस बात का। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया से दूर ले जा रहा हूँ। शादी के बाद तो हर लड़की को अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया बसानी ही पड़ती है। और इन खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपने पुराने बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। अफसोस है चोपड़ा साहब, मुझे अकेले में थोड़ा सा वक्त दे सकेंगे? हाँ आइए। चोपड़ा साहब, अब तक हम समझ रहे थे कि सीमा उस बिल्डिंग से गिरी थी या गिरा दी गई थी, लेकिन सच तो यह है कि उसने आत्महत्या की थी। सीमा ने आत्महत्या की थी, ये कैसे हो सकता है? इस हैंडराइटिंग को पहचानती हैं आप? ये तो सीमा का लिखा हुआ है, मगर ये कैसे हो सकता है? उस रोज वो कितनी खुश थी, और अगर अगर उसे कोई दुख होता तो वो मुझे जरूर बताती। मैं उसकी बहन हूं, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से
जानती हूँ। सीमा ऐसा नहीं कर सकती पापा। सीमा, सीमा कभी नहीं आत्महत्या कर सकती। सीमा आत्महत्या नहीं कर सकती पापा, नहीं कर सकती। सीमा तो नहीं कर सकती। सीमा ऐसा नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही चोपड़ा साहब। अगर आप कहें तो इंक्वायरी जारी रखें, नहीं तो केस बंद कर दें। आप जो चाहे कीजिए कमिश्नर साहब, मैं तो अपनी बेटी खो चुका हूं। ये जाता क्यों नहीं रे? कोशिश कर जाएगा। बाबूलाल, ये खिला इस दीवार का नहीं है, उस दीवार का है। थैंक यू। घर में कोई है क्या? अबे अंधे, ये लगा ये कौन है घर में? जंगल में खड़ा हूं मैं। आओ तुम। मैं प्रेमनाथ हूं। प्रेमनाथ तो क्या नाचूं मैं? प्रेमनाथ, हम लोगों ने चंदा वंदा देना बंद किया, निकल ले यहां से। प्रेमनाथ शक्ल से तो अनाथ लगता है, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं। अरे बाबूलाल, काहे चिल्ला रहे हो, कहां हुआ? अरे ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं चंदा मांगने के लिए। मैंने घर से बाहर निकाल दिया सारे को। बड़ा अच्छा किया। नमस्कार, मैं भीमचंद जवेरी की दुकान से आया हूँ। सीमा जी हैं? कहिए क्या काम है? मैं उसकी बहन हूँ। थोड़े दिन पहले वो हमारी दुकान पर आई थी, उनके बिल के कुछ पैसे बाकी हैं। किस चीज के? उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था। मंगलसूत्र? जी। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मगर उन्होंने तो यहीं का पता लिखवाया था। ये देखिए, ये रहा बिल। क्या? मैं तो पहले ही कहती थी कि सीमा ने आत्महत्या नहीं की। लगता है जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उसी ने सीमा का खून किया है। आप कमिश्नर से कहकर इंक्वायरी फिर से शुरू करा दीजिए ना। कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर सीमा का खून हुआ है तो उसके खूनी को आप बगैर सजा दिलाए छोड़ देंगे? खूनी को सजा बाद में मिलेगी, पहले हमें क्या सजा मिलेगी वो सोचा है। कितनी बदनामी की बात है कि मदन चोपड़ा की बेटी छुप छुप के किसी से प्रेम करती थी, छुपके से उसे शादी करने जा रही थी। और जब ये कहानी हर अखबार में हर जबान पर होगी, हर आदमी नमक मिर्च लगाकर इसे बयान करेगा, तो हम अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कौन करेगा तुमसे शादी, कभी सोचा है? नहीं प्रिया, सीमा मर चुकी है। अब सीमा के मौत के दाग को अपने दिल में रहने दो,
हम उसे अपने चेहरे का कालिक नहीं बनाना चाहते। इसमें डरने की क्या बात है? इसकी ऊंचाई सिर्फ 6 फीट है। ना बाबा ना, ऊंचाई से नीचे देखने पर मुझे चक्कर आते हैं। क्या बात है प्रिया, मुझे यहां क्यों बुलाया? करण, सीमा ने आत्महत्या नहीं की थी। ये तुम कैसे कह सकती हो, जबकि उसके हाथ का लिखा हुआ सुसाइड नोट तुमने खुद देखा है? इसलिए कि उसने मंगलसूत्र खरीदा था। मंगलसूत्र? हाँ, और उसके एक रोज बाद सीमा यहीं से गिरी थी, और इसी बिल्डिंग में मैरिज ब्यूरो है। हो सकता है सीमा किसी लड़के के साथ यहाँ शादी करने आई हो और वो लड़का धोखेबाज निकला और उसी ने सीमा को धक्का दे दिया हो। चलो मान लिया कि उस लड़के ने सीमा को धक्का दे दिया, मगर सवाल ये उठता है कि सीमा चुपकर शादी क्यों करना चाहती थी? दूसरी बात, रजिस्टर मैरिज के लिए 1 महीना पहले अर्जी करनी पड़ती है। मैं रजिस्टर देख चुका हूं, मैरिज ब्यूरो में सीमा चोपड़ा के नाम की कोई एप्लीकेशन नहीं है। और तीसरी बात यह है कि सीमा के पर्स से हमें कोई मंगलसूत्र नहीं मिला। अब तुम बताओ, वो यहां शादी करने आई थी या आत्महत्या करने? आत्महत्या करनी थी तो वो खुद को गोली मार सकती थी, जहर खा सकती थी, मगर ऊंचाई से कभी नहीं कूद सकती थी, क्योंकि सीमा को ऊंचाई से डर था। नीचे देखते ही उसे चक्कर आने लगते थे। वो तो स्विमिंग पूल में 6 फीट की ऊंचाई से भी नहीं कूद सकती थी। इंक्वायरी खत्म हो चुकी है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज करण, सीमा के खूनी को पकड़ने में मेरी मदद करो। इस वक्त कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। ठीक है, मैं ऑफिशियली तो कुछ नहीं कर सकता, मगर जाती तौर पे तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। अब मैं जैसा कहूं वैसा तुम करो। सबसे पहले तुम्हें यह मालूम करना होगा कि सीमा किस किस से मिलती थी। मैंने एक बार उससे पूछा भी था कि वो लड़का कौन है जिसे तुम प्यार करती हो, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि वक्त आने पर बताऊंगी। मगर कोई तो जरूर है जिससे वो प्यार करती थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी। क्या तुम्हें किसी लड़के पर शक है जो सीमा का बॉयफ्रेंड हो सकता है? कॉलेज के बाहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कॉलेज में रवि के साथ उसका मिलना जुलना था। कौन रवि? वो हमारा क्लासमेट है। तुम बता सकती हो मुझे रवि कहाँ मिलेगा? वो शाम को लाइब्रेरी में मिलेगा। थैंक्स अंजलि। तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो। मैं सीमा से प्यार जरूर करता था और यही सोचता था कि वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मेरी गलत फहमी उस दिन दूर हुई जब मैंने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ गार्डन में देखा। दूसरा लड़का? कौन था वो? मैं उसे नहीं जानता। हाँ, अंजलि की बर्थडे पार्टी पर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे, उनमें से एक फोटो में वो भी है। कहाँ है वो फोटो? मेरे हॉस्टल में, कल मैं लाके तुम्हें दे दूंगा। नहीं, वो फोटोग्राफ्स मुझे आज चाहिए। तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाके फोटोग्राफ्स लेके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, ये बॉयज हॉस्टल है इसलिए तुम ऊपर नहीं आ सकते। यू जस्ट वेट हियर।
साइन कर दे, साइन कर, साइन कर। एक्सक्यूज मी, सुनिए, रवि शुक्ला का कमरा कौन सा है? रूम नंबर 65। थैंक यू। रवि तो मुझे सीमा के प्रेमी की तस्वीर दिखाने लाया था, फिर उसने आत्महत्या क्यों की? उसने झूठ कहा था, उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। रवि ने खुद अपने सुसाइड नोट में कबूल किया है कि वो सीमा का प्रेमी था और कातिल भी। और जब तुम उसके साथ यहाँ आई तो वो डर गया कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और उसी डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। प्रिया, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, सीमा का प्रेमी ही सीमा का कातिल था। मुझे माफ कर देना सीमा, मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ आज तुम्हारी मौत से जुड़े हर सबूत को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हारे प्यार से विश्वासघात इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का विश्वास जीतना चाहता था, और मेरी जिंदगी का मकसद ही उसकी बर्बादी है, और इस मकसद को हासिल करने के लिए तुम्हारी मौत के साथ साथ आज अजय को भी मरना होगा। मुझे माफ कर देना।
हाँ मदन चोपड़ा, आज से मेरी दोहरी जिंदगी का अंत हुआ। जो विश्वास मैं अजय शर्मा बनकर ना हासिल कर सका, वही विश्वास मैंने विक्की मल्होत्रा बनकर रेस के मैदान में तुमसे एक ही मुलाकात में हासिल कर लिया। अब तैयार हो जा मदन चोपड़ा, तेरी बर्बादी का वक्त आ गया है। मोटू, क्या सीमा मेम साहब का मरे 6 महीना हो गए? हाँ यार, लेकिन बाबूलाल के जासूसी बढ़ते जा रही है। अपन लोगन का तो छोड़ो, अपने चोपड़ा साहब है ना, उन्होंने को पास शक कही रहा। अरे बाबूलाल जैसा मेहनती तो दुनिया में देखा कि नहीं मिली। क्या ये, क्या ये पौआ? तालिया तू दारू पीता है? नहीं, रात को तुम्ही ने तो पीने के बाद रखने के लिए दिया था। रख दे रख दे रख दे। हम लोग जा कर रहे हैं ऑफिस। डैडी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ऐसी भी क्या जरूरी बात आ गई? मुझे क्या मालूम, वो तो वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा ना। ओके ठीक है, हाँ मैं करवा दूंगा। आओ। हाँ ठीक है मैं सोचता हूँ। ओके ओके विकी, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ। कहिए। तुम्हारी कहानी हमारे साथ रेस के मैदान से शुरू हुई। उस रोज तुम जीतते जीतते मेरे लिए हार गए। मैंने तुम्हें अपना चेला नहीं बनाया, लेकिन तुमने मुझे गुरु मान लिया। उसके बाद सीमा की मौत का हादसा हुआ, मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन तुमने प्रिया को अपने बहन का गम भुलाने में मदद की। तुमने प्रिया से दोस्ती बढ़ाई और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर पल तुम्हारे इंतजार में बेचैन रहे। आहिस्ता आहिस्ता तुम हमारी जिंदगी पर छा गए। मैं तुम्हारी हर चाल और तुम्हारे हर मोहरे को जान गया। मैं जान गया हूं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि तुम और प्रिया एक दूसरे को चाहते हो और मैं तुम दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। इसलिए तुम फौरन अपने मां बाप को बुला लो, ताकि मैं तुम दोनों की मंगनी धूमधाम से करूं। दो साल पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पे जो प्लेन की दुर्घटना हुई थी, जिसमें सारे लोग मारे गए थे, उसमें मेरे मम्मी डैडी भी थे। लेकिन मेरे मां बाप अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था, जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, उसमें मेरे मां बाप भी थे। आज के बाद मैं तुम्हें अपने मां बाप की कमी एहसास नहीं होने दूंगा। चलो बेटे, इस कुर्सी में बैठो और आज से चोपड़ा एम्पायर की जिम्मेदारी को निभाने में मेरे बराबर के हिस्सेदार बन जाओ। आर यू हैप्पी बेटा? आज तुम दोनों जाके सेलिब्रेट करो। नहीं सर, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं आज ही से काम की शुरुआत करना चाहता हूं। वेरी गुड, शाबाश बेटे, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। चलो बेटी, शाम को घर जल्दी आ जाना। Yeah!
भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जेल के 3 सालों ने मेरी दुनिया तबाह कर दी, मेरी बीवी मर गई, बच्चों से मां छिन गई, मैं कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। भाई साहब मुझ पर तरस खाई है, मुझे जूतों की तरह पैरों में पड़ा रहने दीजिए। मैं बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा भाई साहब, कहां भटकूंगा मैं, कहां भटकूंगा? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा था, कभी पराया नहीं समझा, एक भाई की तरह रखा तुम्हें, और बदले में मुझे क्या मिला, धोखा। सुनिए, ये क्या कर रहा है? भाभी, भाभी जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे भाभी जी, मैं अपने गलतियों में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझ पर दया करो भाभी जी। मैं अपनी बड़ी बेटी सीमा की कसम खाकर कहता हूँ कि आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। भाभी जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। सुनिए, इसे माफ कर दीजिए। हाँ। इंसान से गलती हो ही जाती है। लेकिन शोभा, देखिए, कोई अपने बच्चों की कसम खाकर झूठ नहीं कहेगा, और इसके आंसू बता रहे हैं ये सुधर गया है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। भाभी जी, अरे क्या कर रहे हैं आप? चल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनो, यस सर, यूजीसी केमिकल्स का वो कंसाइनमेंट भेज देना और वो टेंडर भी भर देना। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये मदन है, हमारे पुराने मुलाजिम। यस, नमस्कार। आज से ये तुम्हारे साथ काम करेंगे। ओके, कम अलोंग। शुक्रिया। आओ मदन। बैठो मदन। हाँ जी। वहां नहीं, कुर्सी पर बैठ जाओ। जी हाँ। हेलो सर। हेलो। लेकिन मदन साहब, गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करती। नामुमकिन को मुमकिन करवाना मेरा काम है, तुम वैसे ही करो जैसे मैं कहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाउ आर यू? और इस फॉर्म पर शर्मा साहब के सिग्नेचर करवाइए। गुड, तुमने वाकई बहुत अच्छा प्लान बनाया है, इससे हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। थैंक यू सर। मैं तो पहले भी तुम्हारे दिमाग और मेहनत का पार की था, और आज भी हूं, इसीलिए मैंने यह फैसला किया है कि आज से तुम इस कंपनी में 5% के पार्टनर हो। 5%? सर, कंपनी के डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह यस। ओके मदन, यू कैरी ऑन, आई विल सी यू लेटर। ओके सर। ओके। 5%, बेवकूफ, मैं यहाँ का 100% मालिक बनकर तुझे लात मारने आया हूँ। ये सूटकेस गाड़ी में रख दो और जल्दी वापस आओ। हाँ, मैं आसाम जा रहा हूँ, वहां मैंने एक चाय का बागान खरीद लिया है, लौटने में कई महीने लग सकते हैं, अब ये प्लांटेशन वगैरह में काफी वक्त लग सकता है। सर, लेकिन यहाँ का कारोबार? उसकी फिक्र मत करो, मदन सब कुछ संभाल लेगा। ओके। ओके, बाय बाय। हाँ मदन। यस सर। मैंने ऑर्डर्स के फाइल्स चेक किए हैं। जी। हमारे जो परमानेंट डीलर्स हैं उनका खास ख्याल रखना। यस सर। उन्हें किसी तरह की शिकायत नहीं होने देना। जी नहीं सर। और हाँ, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। हाँ जी। मैंने तुम्हारे नाम बनवाया है। सर, मेरे नाम? हाँ, इससे तुम्हें कंपनी ऑपरेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पापा जल्दी चलो, देर हो रही है। हाँ बेटे, चलते हैं। हाँ मदन। हाँ जी। विश्वनाथ शर्मा, तूने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, वो जमीन दी है जिस पर अब मदन चोपड़ा के कुर्सी के पाए खड़े होंगे। फरामोश,
मेरी ही आस्तीन में रह के मुझे ही डस लिया तूने। मैंने तेरे बच्चों पर तरस खाकर तुझे सहारा दिया और तूने मुझे ही बर्बाद कर दिया। भूल गया मेरे एहसानों को, भूल गया मेरी हमदर्दी को। किस हमदर्दी की बात कर रहा है तू? 3 साल पहले तेरी इस कंपनी से मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए का गबन किया था, सिर्फ 5 लाख। अगर तू चाहता तो मुझे माफ कर देता, लेकिन तूने मुझे जेल भिजवा दिया। उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरा सब कुछ छीन लूंगा। यह तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तूने मुझे खुद पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, वरना इस दौलत के लिए मैं तेरा खून भी कर देता। जाओ यहां से और आइंदा यहां आने की हिम्मत मत करना। हमारी कार्रवाई पूरी होने के बाद इस बंगले पर पुलिस रखवा दीजिए, ताकि नीलामी होने तक किसी भी चीज को कोई हाथ ना लगा सके। पापा, पापा। क्या बात है बेटे? पापा, इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। ये सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी शर्मा जी, आपने बैंक से जो कर्ज लिया था उसकी वसूली के लिए आपके नाम की बंबई और आसाम की तमाम प्रॉपर्टीज और निजी खातों को सील्ड करने के लिए हमें हुक्म मिला है। मैंने तो कोई कर्ज नहीं लिया। हमारे पास जो बैंक के पेपर्स हैं उसमें लिखा है कि आपने मिस्टर मदन चोपड़ा के जरिए ब्याज पर 5 करोड़ रुपए उठाए हैं। आपको 15 दिन पहले कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्रवाई ना होने की वजह से अदालत को एक कदम उठाना पड़ा। लेकिन वकील साहब, मेरी बीवी बच्चे सब बेघर हो जाएंगे। वकील साहब, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मदन चोपड़ा चाहे तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। अरे अरे, ये क्या तुम रो रही हो? नहीं नहीं, ये आंसू तुम्हारे गालों का रंग फीका कर देगी। तुम्हें घर चाहिए ना? मैं दूंगा। अरे, बड़े बड़े नवाबों और राजाओं ने तवायफों के लिए कोठियां बनाई हैं, क्या मैं तुम्हें एक फ्लैट भी नहीं दे सकता? मैं जानता हूं तुम जैसी खूबसूरत औरत सड़क पर कैसे रहेगी, कहां सोएगी, कहां नहाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं कोठी की तवायफ नहीं हूं, विश्वनाथ शर्मा की पत्नी हूं। कुकर्म ने रावण और दुशासन को भी नहीं छोड़ा, सर्वनाश कर दिया था, तो तू क्या है? तेरी औकात क्या है? एक बात याद रखना, तू जिंदगी में तू कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरे बच्चों की हाय तेरा सुख चैन सब कुछ छीन लेगी, तू तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। एक माँ की बद्दुआ है। अब तेरी बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। अब हर चीज मेरी है और हर चीज का मालिक मैं हूं। कर देना। हाय प्रिया। हाय अंजलि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे हॉस्टल भी गई थी, लेकिन पता चला तुम वहाँ रहती नहीं। क्या है, होटल हिलटॉप में मुझे रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिल गया और मैं वहीं रहती हूँ। क्यों, कोई खास बात है? अपनी एंगेजमेंट के लिए तुम्हें इनवाइट करना था। कब है? आज शाम को, और तुम्हें जरूर आना है। आज तो मुश्किल है, मेरी नाइट ड्यूटी है, पहले पता होता तो छुट्टी ले लेती। चले प्रिया। विकी, ये है सीमा की बेस्ट फ्रेंड अंजलि, और अंजलि ये है मेरे मंगेतर मिस्टर विकी मल्होत्रा। हेलो। हेलो। लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, दुनिया बहुत छोटी जगह है ना। नहीं। चलो भाई प्रिया, तुम्हें ब्यूटी पार्लर भी पहुंचना। चलो। अच्छा जी, बाय। एडवांस में मुबारक हो तुम दोनों को। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। थैंक यू।
जरूर देखा होगा, दुनिया बहुत छोटी जगह है। हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? प्लीज कम इन। आइए आइए, नाइस टू सी यू। बहन जी शरबत। अरे मोटू उधर देखो, बाबूलाल गिलास में शरबत डालना भूल गया और खाली गिलास लिए हुए इधर उधर घूम रहा है। जी बत्रा जी। मेरा नाम बत्रा नहीं, वाधवा जी। लीजिए शरबत, अच्छी शरबत है, अच्छी शरबत। थैंक यू, मेरे पैसे लिख ले प्लीज। थैंक यू। नहीं जी, नहीं नहीं। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर करण, हाउ आर यू? प्लीज कम इन प्लीज। नमस्कार प्रिया, तुम्हारी सारी सहेलियां आ गई क्या? अभी कुछ बाकी हैं? हाय विकी, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस प्रिया। थैंक यू। दोस्तों, चोपड़ा साहब की बेटी प्रिया की सगाई आज विक्की मल्होत्रा के साथ हो रही है और इस खुशी के मौके पर एक खूबसूरत नगमा सुनाएंगे हिंदुस्तान के अजीम फनकार श्री विनोद राठौड़। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी ताना भी नहीं आता।
करते हैं, कितना पागल दिल है मेरा, मनाना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी हेलो, ये चोपड़ा हाउस है? नहीं तो क्या मैं टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रहा हूँ? प्लीज जरा प्रिया को बुला दीजिए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। देखिए, एक लड़की के लिए उसकी सगाई से ज्यादा जरूरी कोई बात नहीं होती है। अब वो बहुत बिजी है, वो नहीं आ सकती। देखो, दो घंटे से ट्राई करी, बहुत मुश्किल से नंबर लगा है। मुझे सीमा के बारे में कुछ कहना है। सीमा के बारे में कुछ कहना है? हाँ, प्रिया से इतना कह दो कि अंजलि का फोन आया है और वो सीमा के बारे में कुछ कहना चाहती है। और एक मिनट, मैं भूल जाऊंगा, एक मिनट, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है, हैं? एक मिनट, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है, अंजलि का फोन है, फोन अंजलि का है, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है, अंजलि का फोन है, सीमा साहब के बारे में, अच्छा भाई प्लीज आ जाओ, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है, अंजलि का फोन है, एक मिनट, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है, अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। क्या बोल रहे हो? अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। अच्छा रहने दो, ऐसा करो मेरे लिए एक आइसक्रीम लेके आ जा। अरे मैं भूल जाऊंगा, अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। मैं एक आइसक्रीम लेके आ, चलो जाओ, चलो आइसक्रीम लाऊं? हां, अंजलि का फोन है, आइसक्रीम लेके आऊंगा, अंजलि का फोन है, सीमा मैम को। एक मिनट, बेबी जी, बेबी जी, फोन फोन है। अनारकली, अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है। क्या? अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है। अनारकली आइसक्रीम? हाँ। अनारकली का फोन? बाबूलाल, क्या बात है? अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है। क्या क्या बकते हो? शराब तो नहीं पिए तूने? मैं शराब, मैं तो बाबूलाल, चलो जाओ यहाँ से, कम ऑन, गो, गेट आउट। ये बुड्ढा कभी जरूरी काम करने नहीं देता, जरूर कुछ दाल में काला है, मुझे तो कभी कभी इससे भी शक होने लगता है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ, प्रिया का डैडी। नमस्ते अंकल, मैं सीमा की फ्रेंड अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना बेटी। बात यह है कि आज प्रिया मुझे शॉपिंग सेंटर में मिली थी, वहाँ उसने मुझे विकी से मिलवाया। अंकल, विकी की सूरत बिल्कुल उस आदमी से मिलती है जिससे सीमा की दोस्ती थी। तुम ये बात यकीन से कैसे कह सकती हो? मेरे पास उसकी तस्वीर है। तस्वीर? हाँ, मेरे बर्थडे पार्टी पर जो तस्वीरें ली गई थी उसमें वो भी है। ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं? नहीं, मैंने पहले प्रिया को बताना जरूरी समझा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देखो बेटी, इस बात का तुम जिक्र भी किसी से मत करना, क्योंकि यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वैसे तुम बोल कहां से रही हो? होटल हिलटॉप, स्टाफ क्वार्टर्स, रूम नंबर 9। ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं प्रिया को लेकर आता हूं। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? ओह यस, ऑफ कोर्स, थैंक्स, आई होप यू एंजॉयिंग द पार्टी। हां
तुम्हें एक तकलीफ देने आया हूं। आओ बैठो। थैंक्स। तुमने इसे पहले कभी देखा है? ये तो अंजलि है, सीमा की फ्रेंड, दो दिन पहले ही मिली थी। सगाई वाली रात अंजलि से तुम्हारी कोई फोन पर बात हुई थी? नहीं, लेकिन बात क्या है? अंजलि उस दिन से गायब है। गायब? होटल में इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि तकरीबन रात 10:30 बजे उसने यहाँ फोन किया था। मैं तो पार्टी में बिजी थी। बाबूलाल, एंगेजमेंट पार्टी की रात अंजलि नाम की किसी लड़की का फोन आया था। बेबी, एक बात बताओ, ये एंगेजमेंट किसकी थी? बाबूलाल, वो मेरी एंगेजमेंट थी। अरे बड़ा मजा आया था, मुझे पता है। ठीक से याद करके बताओ कि अंजलि नाम की किसी लड़की का फोन आया था? अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे फोन कर देना, मैं चलता हूँ। Okay. हेलो इंस्पेक्टर। ओह हेलो, कैसे आना हुआ? करण अंजलि के बारे में पूछने आए हैं। कौन अंजलि? सीमा की फ्रेंड, जो उस दिन हमें ज्वेलर शॉप में मिली थी। सीमा की सहेली? याद आया, याद आया, याद आया! अंजलि का फोन मैंने उठाया था, मैंने उठाया था, मैंने उठाया था। उसने मुझसे बोली थी कि प्रिया को फोन दो, मुझे उससे सीमा के बारे में कुछ कहना है। सीमा के बारे में? तो फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बुलाने तो आ रहा था, मगर मुझे किसी ने रोक लिया। किसने रोका था? बेबी, मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं याद करके बताऊंगा। अरे तुम लोग भी किस मुलक्कड़ की बातों में आ गए? इसकी बातों पर भरोसा करना बेवकूफी है। चलो तुम जाओ यहां से। अरे जाओ। मुझे कभी कभी तो इस विक्की पर भी शक होता है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर। या सी यू, बाय बाय। प्रिया, कितनी बार नाम बुलाया? अच्छा विकी, सगाई वाली रात जब मैं ड्राइंग रूम में आया था तो तुम किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? उस दिन मिस्टर मदन चोपड़ा की बेटी की सगाई हुई थी। इंस्पेक्टर करण, किसी ऐरे गहरे की नहीं, सैकड़ों फोन आए थे बधाई के लिए। एंड आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मुझे मालूम नहीं था कि आप इंक्वायरी करने वाले हैं, वरना फोन कॉल्स की एक लिस्ट बनवा लेता आपके लिए। I'm sorry, Vicky. मैं तो यूं ही नॉर्मल इंक्वायरी कर रहा था। वैसे तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। Bye. Vicky, हो सकता है अंजलि सीमा की मौत के बारे में कुछ बताना चाहती हो? प्रिया, सीमा की मौत को 1 साल होने को आया है। अरे अब तो उसका कातिल खुदकुशी भी कर चुका है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता कुछ है। कुछ नहीं हो सकता है, तुम मिन पुलिस वालों को जानती नहीं हो। अपनी रोजी रोटी के लिए गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते फिरते हैं ये लोग। प्रिया, प्रिया, I'm sorry, प्रिया। प्रिया, मैं कितना खुश था कि हमारे प्यार ने तुम्हारे दिल से सीमा की मौत का गम भुला दिया है। लेकिन लेकिन इस कमबख्त ने तुम्हारे सूखे हुए जख्मों को फिर से हरा कर दिया।
Yes. विकी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। और देखो जल्दी आना, मुझे 5 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। हाँ जी, मैं अभी आया। चोपड़ा साहब, ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी तो बहुत भरोसे वाले आदमी को दी जाती है। अरे भाई, इसमें भरोसे की क्या बात है, और विकी अब कोई गैर नहीं, हमारा होने वाला दामाद है। अच्छा तो चोपड़ा साहब, मैं चलूं? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया सर। अरे हाँ, ये विकी अभी तक आया क्यों नहीं? विकी, विकी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं? सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। नेवर माइंड, आओ मेरे साथ। लंदन के कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे टेक्निकल कोलैबोरेशन के सिलसिले में जर्मनी जाना होगा। जी, वहां मुझे काफी वक्त लगने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। इससे तुम मदन चोपड़ा की तरह कंपनी के हक में कोई भी फैसला कर सकते हो। सर, आपके जाने का वक्त हो गया है। अरे हाँ, ओके विकी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू सर। आई एम श्योर यू विल डू अ गुड जॉब। थैंक यू। चलो देसाई। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था मदन चोपड़ा। तूने मुझे पावर ऑफ अटर्नी नहीं, अपनी तकदीर का वो कोरा पन्ना दे दिया है, जिस पर मैं जब चाहूं तेरी बर्बादी का इतिहास लिख सकता हूं। विकी साहब, आप पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टर देसाई, आप अपने काम से काम रखिए। क्या सही है क्या गलत, यह आपसे बेहतर मैं जानता हूं। लेकिन सर, रानी, रानी, चले। बढ़ती हुई अपराध की घटनाओं के बारे में आज सुबह बंबई के पुलिस कमिश्नर ने पत्रकारों को बताया कि प्रभावित इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस के कांस्टेबलों को भी राइफल्स दिए जा रहे हैं। एक और घटना में पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जो लाश चौपाटी पर एक बड़े सूटकेस में पाई गई थी, वो हिलटॉप होटल की एक महिला कर्मचारी की थी। बताया जाता है कि लाश जिस लड़की की थी, उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी और उसका नाम था अंजलि सिन्हा। हेलो इंस्पेक्टर करण स्पीकिंग, मैं प्रिया बोल रही हूँ। बोलो प्रिया। मैंने अभी टीवी पर देखा कि अंजलि की लाश बीच पर मिली है। मुझे पता है, और उसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे घर ही आ रहा था। नहीं करण, तुम यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहती कि विकी और पापा को इस बात का पता चले। तो फिर कहाँ मिले? तुम एक काम करो, तुम मुझे अभी सन इंसान की कॉफी शॉप में मिलो। ओके ओके, बाय बाय। हाय ब्रे। अरे क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। किसका फोन था? मेरी एक सहेली का फोन था। हाँ। मैं उसे मिलने उसके घर पे जा रही हूँ।
चलो मैं तुम्हें उसके घर छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं जरा चेंज करके आती हूँ। अब तक हम समझ रहे थे कि सीमा का कातिल रवि था, लेकिन अंजलि के मौत के बाद लगता है कि सीमा का कातिल रवि नहीं कोई और है, और उसी ने रवि और अंजलि दोनों को मार डाला। लेकिन रवि ने तो खुद सुसाइड नोट में लिखा था कि वही सीमा का प्रेमी है और कातिल भी। कातिल बहुत चालाक है प्रिया, उसने रवि और सीमा को मारने में एक ही हथियार का सहारा लिया, सुसाइड नोट। सीमा के बारे में जिसने भी खबर देनी चाहिए वो मारा गया। रवि तुम्हें सीमा के कातिल की तस्वीर दिखाना चाहता था, और बाबूलाल के कहने के मुताबिक अंजलि भी सीमा के बारे में कुछ बताना चाहती थी। तो फिर कातिल कौन हो सकता है? कातिल जो भी हो, लेकिन वो तुम्हारी हर बात की खबर रखता है। खैर, वो चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। कहां गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहा तो था अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? मिस करण। अगर मैं करण से मिलने भी गई थी तो उसमें बुराई क्या है? बुराई बुराई मिलने में नहीं है, बुराई छुप छुप कर मिलने में है। आखिर बात क्या है? क्यों तुम उससे बार बार मिलने के लिए जाती हो? कभी पुलिस स्टेशन में, कभी कॉफी शॉप में, कभी उसके घर में। अगर इतना ही शौक है तुम्हें उससे बार बार मिलने का, तो मेरे सामने क्यों नहीं मिलती उससे? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम जानना चाहते हो ना कि मैं करण से क्यों छुप छुप कर मिलती हूँ? इसकी वजह तुम और मेरे पापा हो। जब भी मैंने सीमा के कातिल के बारे में बात करनी चाहिए, तुमने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही पापा ने। मजबूर होकर मुझे करण से मदद मांगनी पड़ी, और आज उसी की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बहन का कातिल जिंदा है। और तुमने मेरे और करण के बारे में ऐसी घटिया बात सोची? शर्म आनी चाहिए तुम्हें विकी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सॉरी प्रिया, मेरे गुस्से, मेरी जलन, मेरे शक की वजह मेरा प्यार है। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं प्रिया, इतना प्यार कि अगर किसी की नजर भी तुम्हारे चेहरे पर रुकती है तो मेरा खून खोल उठता है। और आज एक पल के लिए मेरे दिल में तुम्हें खो देने का डर आ गया, और शायद इसलिए ना जाने में तुमसे क्या क्या कह गया। तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून हो प्रिया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। विकी, अब कभी अपने प्यार पर शक मत करना, मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। तो चलो आज की शाम हमारे प्यार के नाम।
काली काली आँखी, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। मिली मैं मिला दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे धक धक दिल ये करे। जलाने लगी दिल रुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें कर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। उसे में लाल ना कर ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी बिखरी बिखरी जुल्फें, ये झुकी झुकी पलकें, ये गोरी गोरी बाहें, हम
क्यों ना तुम्हें चाहे, ऐसा तो हमने पहले देखा नहीं कमाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। हजी तो सही हजाए। अभी आता हूं। चलो प्रिया कहीं और चलते हैं, डिनर तो ले ले। अरे नहीं डिनर कहीं और करेंगे। आओ एक बार हजाए, मजा क्या यार, क्या डांस किया दोस्त, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। तुमने शायद ज्यादा पी ली है, मेरा नाम अजय नहीं है। गुड नाइट, चलो। अरे यार क्यों मजाक कर रहा है, मैंने इतनी नहीं पी है कि अपने बचपन के दोस्त को भूल जाऊं। हाँ अजीब आदमी है आप, मैंने आपसे कहा ना मेरा नाम अजय नहीं है और ना ही मैं आपका दोस्त हूँ। चलो प्रिया। अच्छा लड़की साथ है इसलिए भाव कर रहे हो। अरे अरे विकी प्लीज, देखिए आपको गलत फहमी हुई है, इनका नाम अजय नहीं विकी मल्होत्रा है। विकी मल्होत्रा? विकी मल्होत्रा इसका नहीं मेरा नाम है, ये झूठ बोल रहा है। अबे ओ अजय ये क्या नाटक है, तूने मेरा नाम क्यों रख लिया? हाँ अरे अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, थोड़ी को अरे क्या कर रहे हैं, अरे जो हो डर क्यों रहे हो, अरे अरे मुझ पर हाथ उठाता है, अपने दोस्त पर हाथ उठाता है, समझ सके आपने आपको? अरे तू क्या जाने दोस्ती क्या चीज होती है, समझ सके तू अपने आपको? आई एम सॉरी प्रिया। लड़की को फंसाने के लिए मेरा नाम रखता है विकी मल्होत्रा का, मैं विकी मल्होत्रा हूं। अच्छा मेरे बचपन के दोस्त है ये, बहुत सारे एहसान किए मैंने इस पर, साला सब एहसानों को भूल गया ये। अरे जा नहीं रखी तेरे दोस्ती, दोस्त बनने आया ये। मेरे मां बाप अब इस दुनिया में नहीं, आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे उसमें मेरे मां बाप भी थे। विक्की मल्होत्रा इसका नहीं मेरा नाम है, ये झूठ बोल रहा है। अजय ये सोचने का नहीं फैसले का वक्त है, तुम यहां चोपड़ा के खानदान को खत्म करने आए थे, उसे बर्बाद करने आए थे। प्रिया का प्यार तो महज एक इत्तेफाक था, जब भी तुमने अपने मकसद को अंजाम देना चाहा तुम्हें प्रिया के प्यार नहीं रोका, लेकिन जिस दिन उसे असलियत का पता चलेगा वो तुमसे नफरत करेगी, नफरत नफरत नफरत। अजय तुम्हारा मकसद सिर्फ चोपड़ा की बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी बर्बादी बर्बादी। ये सब क्या है सर? विकी साहब ने सारी कंपनीज पर कब्जा कर लिया है। क्या विकी? नमक हराम, तुझे पास मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया, कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे, लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी चिल्लाओ मत, याद करो वो रेस का मैदान, तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी, क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी
मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। याद आया, उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक गुस्सा पाई जैसी हो गई है। जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हां मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जरूरत मत करना। आउट। तीन साल पहले जो बैंगलोर एयर क्रैश हुआ था उसमें मिस्टर एंड मिसेस केएल मल्होत्रा भी थे, क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? एक मिनट। उनका पता है 52B शांति कुंज वर्सोवा रोड बॉम्बे 58। आइए, मैं जानता हूं कि तुम यहां ये जानने के लिए आई हो कि असली विक्की मल्होत्रा कौन है। असली विक्की मल्होत्रा मैं हूं और वो जो तुम्हारे साथ था उसका नाम अजय है। वही अजय जो बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, उसकी हर परेशानियों में मैंने उसका साथ दिया। उसी अजय ने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे पहचानने से इनकार किया, दुख तो इस बात का है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया, अपने दोस्त पर। मेरे एहसानों का यह बदला चुका है। समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को विक्की मल्होत्रा क्यों कहता है। तुम उसे कैसे जानती हो? वो मेरा मंगेतर है। झूठा है वो, और अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाकर उसकी मां से पूछो, जो आज भी पनवेल में सेक्टर 12 में रहती है। विक्की,
मल्होत्रा या अजय शर्मा, नाम का फरेब देकर गुनाह करते वक्त शायद तुम भूल गए थे कि नाम बदलने से इंसान का चेहरा और उसका जुर्म नहीं बदल जाता। तुमने जिस बेरहमी के साथ मेरी बहन को छत से फेंका था, इतनी बेरहमी से तो कोई अपना खिलौना भी नहीं फेंकता। और इतना ही नहीं, तुमने मुझे भी धोखा दिया, मेरे साथ भी प्यार का नाटक किया। क्यों क्यों बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपने हर खुशी का हिस्सेदार बनाया और इसके बदले में तुमने हमें यह सलाह दिया, अगर तुम्हें दौलत ही चाहिए थी तो मेरे पापा से मांग लेते, वो तुम्हें भीख में दे देते। भीख? किस दौलत की बात कर रही हो तुम? हां, जिस दौलत की वजह से तुम्हारा बाप चोपड़ा बायर का बादशाह बना बैठा था, वो मेरे पिता की थी, मेरी ही है। अपनी बेटी की मौत को अपने चेहरे की कालक समझने वाला तुम्हारा इज्जतदार बाप किस जमीन से उठकर आया है मैं जानता हूं। अरे था क्या उसके पास? भिखारी की तरह तो वो आया था हमारे दरवाजे पर और मेरे मां बाप ने उसे सहारा दिया था, पर उसके बदले उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया हमको। सोचो उस मासूम बच्चे पर क्या गुजरी होगी जब तुम्हारे कमीने बाप ने उसकी मां की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। तुम नहीं जानती प्रिया, तुम्हारे बाप ने हम पर कितने जुल्म ढाए हैं। तुमने तो सिर्फ उसके माथे पर अमीरी का ताज देखा है, कभी ही उसके आस्तीनों को निचोड़ कर देखो, उसमें तुम्हें मेरे बेकसूर बाप और मेरी मासूम बहन का लहू मिलेगा। आज भी मुझे वो रात याद है जब तुम्हारे बाप के कहर की आखिरी बिजली मेरे परिवार पर गिरी थी। मुन्नी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, जा तू, ठंडा पानी ले। अच्छा माँ। नहीं नहीं नहीं, मुन्नी का बुखार कम हुआ? नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना? जिस पर इतनी मुसीबतें आई हो उसके लिए आराम भी एक मुसीबत है। सुनिए, इसे संभाल। जगह मैं बीमार होती तो मैं गले से कभी ना उतारती। तो
उठिए पापा, उठिए। अजय, अजय देखना। माँ, माँ, देखो मुन्ने को क्या हो गया माँ? आज भी मेरी आंखों में मेरे बाप की जलती हुई चिता और मेरी बहन की वो कब्र है जिसे मेरे आंसुओं ने अब तक सूखने नहीं दिया। अरे तुम्हें तो सिर्फ एक कांटा चुभा है, मेरे सीने में तो त्रिशूल घोपा गया था, त्रिशूल। तीन तीन जख्म दिए गए थे मुझे, और ऐसे जख्म जिनकी मरहम मैं आज तक नहीं कर सका। देखना चाहती हो? देखना चाहती हो? हाँ, हाँ मेरे साथ। पंद्रह साल हो गए, लेकिन इनके आंसुओं के बहने का सिलसिला अभी तक नहीं खत्म हुआ। अब मेरा सारा बचपन इनके प्यार के बगैर गुजरा है। ये मेरी मां है, मैं नहीं भूला, लेकिन मैं इनका बेटा हूं। इन्हें कभी कभी याद आता है। हट जाओ प्रिया, इसने हमें बर्बाद किया है, ये धोखेबाज है। झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि धोखेबाज कौन है। धोखेबाज ये नहीं आप है। हट जाओ यहाँ से, ले जाओ। छोड़ो। मारो इसे। तू क्या समझता है कि तू मेरी दौलत इतनी आसानी से ले जाएगा? मदन चोपड़ा है मेरा नाम, मदन चोपड़ा। मारो इसे और मारो। तुम्हारे जैसे खूबसूरत औरत सड़क पे कैसे रहेगी, कहां सोएगी?
कहा नायक? खत्म कर डालो साले को। मदन, मदन चुप रहा। मारो इस हरामजादे को। साले को मारो और मारो। अभी तो मैंने हाथ पर गोली मारी है, लेकिन अगर इसने मेरे प्रॉपर्टी के कागजात नहीं लौटाए तो मैं इसके जिस्म के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तू चुनते चुनते मर जाएगी। मां बेटे का भविष्य चुनती है, दुआएं चुनती है, उसके जिस्म के टुकड़े नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तेरे जिस्म का टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े करूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मदन चुप रहा। माँ, माँ, ये क्या हो गया माँ? नहीं, माँ, 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 ये पंद्रह साल से जो खून मेरी मां की आंखों में आंसू बनकर रिसता रहा, आज उसका बांध तूने तोड़ दिया है। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, सैलाब आएगा। Thank you.
हाथ से मारा था ना मेरी मां को, यही हाथ उठाया था ना मेरी मां पर। कर लिया है मां, उस
उस तूफान को ही खत्म कर दिया जिसने हमें बेसहारा किया था माँ। अब तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी माँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक माँ के लिए इससे बढ़कर तकलीफ क्या हो सकती है, जिसके जिसके गोद में उसका बेटा जख्मी पड़ा हो और कुछ नहीं कह सकती। नहीं, शायद यही मेरा अंजाम था माँ। नहीं माँ, आज आज परसों बाद तेरी गोद में आके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है माँ। माँ, मुझे अपनी बाहों में समेट ले माँ, अपने आंचल में छुपा ले माँ। माँ माँ, मैं बचपन से तेरे प्यार के लिए तरस रहा हूँ माँ। अब मैं जी भर के सोना चाहता हूँ, जी भर के सोना चाहता हूँ। सुझा सुझा मेरे बेटे सुझा, कितने वर्षों बाद तुम मेरे गोद में आया। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.